राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा खंड नूरपुर ने पुरानी पेंशन बहाली व अन्य मांगों को लेकर एसडीएम नूरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। न्यू पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा जिला प्रधान मुल्तान सिंह व न्यू पेंशन स्कीम के प्रधान अजय प्रजापति ने बताया कि हमारी मांग है कि 2003 के बाद के कर्मचारी जो हैं उन्हें पुरानी पेंशन बहाल की जाए। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड नूरपुर ने पुरानी पेंशन बहाली व अन्य मांगों को लेकर एसडीएम नूरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। न्यू पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान मुल्तान सिंह व न्यू पेंशन स्कीम के प्रधान अजय प्रजापति ने बताया कि हमारी मांग है कि 2003 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन्हें पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि जो ये एनपीएस है ये नो पेंशन स्कीम है। उन्होंने कहा कि हमारा पैसा कंपनी के पास जमा होता है, वो उसी 1.5 लाख का 615 रुपए ब्याज दे रहे हैं जो कि मंजूर नहीं है। अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो हम चाहेंगे कि एमपी और एमएलए की पेंशन भी बंद की जाए। आज पीटीएफ के आह्वान पर यहाँ पे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है और इसमें हमारे नूरपुर ब्लॉक के सभी विभागों के कार्यरत कर्मचारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि 2003 के बाद जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि ये जो एनपीएस है ये नो पेंशन स्कीम है और ये हमारा पैसा जो है कंपनी के पास जमा होता है उसी का 1.5 लाख पे ये 615 रुपये ब्याज दे रहे हैं, तो ये हमें मंजूर नहीं है। अगर हमारी पेंशन सरकार ने बहाल नहीं की तो हम चाहेंगे कि विधायक और लोकसभा सदस्य जो है इनकी पेंशन जो बंद की जाए। तो आज समस्त कर्मचारी, पेंशन विहीन कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, मांग पत्र एसडीएम महोदय को सौंपने के लिए, क्योंकि जो भी नियुक्तियाँ 2003 के पश्चात हुई हैं उनमें नई पेंशन नीति लागू की गई है जिसमें बहुत भारी खामियां हैं, जिससे जब भी कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसकी पेंशन मात्र 1000-2000 रुपये ही होती है, जिससे उसका जो आगामी जीवन है उसको चलाने में वो बड़ा ही असमर्थ है, बेसहारा है। तो बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो आज हम एसडीएम महोदय जी से मिलने जा रहे हैं, अपना मांग पत्र उनको सौंपेंगे ताकि जल्दी से पुरानी पेंशन की बहाली की जा सके। हमें आशा है कि सरकार हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाएगी और हमारी मांगों को मानेगी। सर, हम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एसडीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि जो 2003 के बाद नियुक्तियाँ हुई हैं सभी सरकारी विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, उनमें सभी कर्मचारियों को जो है नई पेंशन दी जा रही है, तो उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, क्योंकि नई पेंशन के अंतर्गत कर्मचारियों को मात्र 1000-2000 पेंशन मिलती है, तो उससे बुढ़ापे में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पद्धति जो है लागू करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है शोर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।